उत्तराखंड के बच्चों के लिए खुशखबरी है, आज देहरादून में कानन इंटरनेशनल सेंटर की ओपनिंग हो गई है। इस दौरान कानन इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष शाह ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कैसे कम बजट में उत्तराखंड के बच्चे विदेश में पढ़ सकें। मैं मनीष शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, बड़ौदा गुजरात। और आज हम लोगों ने देहरादून हमारी फ्रेंचाइजी सेंटर का ओपनिंग किया है। हम लोग इसीलिए पूरा टीम आए हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि पूरा देहरादून और उसके नियर बाई एरिया और पूरे उत्तराखंड में स्टडी अब्रॉड का लोगों को पता चले, कम से कम बजट में हम लोग यहाँ के लोग, देहरादून के लोग कैसे विदेश उच्च अभ्यास के लिए जा सकते हैं। जैसे कनाडा भी हॉट डेस्टिनेशन है, कनाडा में 12 से 15 लाख के बजट में आप पढ़ने के लिए जा सकते हो, 2 साल पढ़ाई कर सकते हो, 3 साल का वहाँ की सरकार आपको ओपन पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देता है और 3 साल के अंदर कभी भी 1 साल फील्ड का जॉब करके आप परमानेंट रेसिडेंसी का प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हो। आप परमानेंट रेसिडेंट हो सकते हो, आप शादी करने के लिए लड़का है या लड़की है आज के उनके स्पाउस को भी लेके जा सकता है, पेरेंट को विजिटर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, परमानेंट रेसिडेंस को भी बुला सकते हैं। गांधीनगर, चेन्नई, करनाल, देहरादून, काफ़ी सारा हमारा है। और हम लोग 2 मॉडल पे काम करते हैं, एक तो हमारा खुद का ऑफिस है, फिर फ्रेंचाइजी का ऑफिस है और ट्रस्टेड पार्टनर भी हमारे अक्रॉस इंडिया। ठीक। मेरा नाम सागर चहल है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ कानन इंटरनेशनल देहरादून ब्रांच। हमारे पास जो टॉप जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, टॉप C2 लेवल की फैकल्टीज़ हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल जितना भी है, और इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है कानन प्रेप। यहाँ पे स्टूडेंट अपनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन इसमें हम इंक्लूड करते नहीं हैं। प्लस यहाँ पे देहरादून में कानन का आने का बेनिफिट ये है, जितने भी अन्य कोचिंग सेंटर्स हैं हम कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस करते हैं, जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट काफ़ी तरह के चार्जेस अप्लाई करते हैं। प्लस हमारे पास डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप है, हमारे पास कनाडा में 120 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप 100 कॉलेजेस में एड ऑन होती है, कि आप आके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देख सकते हैं, प्लस हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं वो देख सकते हैं, प्लस हमारे जो फैकल्टीज़ हैं हम उनके लिए भी अवेलेबल रहेंगे, प्लस जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आके एक बार हमारी डेमो क्लास ले सकते हैं, उसके बाद जैसा भी स्टूडेंट्स को लगेगा, प्लस हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत सारी है। ठीक, तो जब स्टूडेंट एक बार हमारे पास एनरोल होगा तो अन्य चीज़ें उनको पता लगती रहेंगी। ठीक। हाय, आई एम हमानी चहल, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एट कानन इंटरनेशनल देहरादून। टुडे इज आवर इनॉग्रेशन ऑन 19 फरवरी 2021। वेल नोन ब्रांड है कानन इंटरनेशनल। एज यू ऑल नो, कानन इंटरनेशनल डील्स इन वीज़ा फाइलिंग प्लस इंटरनेशनल कोचिंग इंटरनेशनल एग्जाम्स। Actually, we are dealing in international exam, visa filing, plus providing various types of coaching like French, Germany, IELTS, GMAT, JRE and SAT. आपको पता ही है नेशन वन हमारे ये पूरा एरिया कवर कर रहे हैं न्यूज़ का, यहाँ पे चीफ गेस्ट आके जा चुके हैं। अब नेक्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो भी फर्स्ट इनरोल करेंगे उनको 50% की डिस्काउंट मिलेगा। प्लस यहाँ पर हम कोई वीज़ा फाइलिंग चार्ज नहीं करते हैं और ना ही कंसल्टेंसी फीस हमारी जीरो है। आपको बता दें कि इस ओपनिंग के दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आज विदेश में बच्चों को पढ़ाने में जो कठिनाई होती है वो किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि कानन इंटरनेशनल लोगों के भरोसे पर खड़ा उतरेगा। इंस्टीट्यूट के उद्घाटन अवसर पे मैं संस्था को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आजकल विदेशों के नाम पे बच्चों को भेजने का एक बहुत बड़ा एक कारोबार है और उस काम को कुछ लोगों ने धब्बा लगाने की भी कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सब धब्बाओं को, उन सब दागों को धोते हुए कैनन इंटरनेशनल या संस्था उन ऊंचाइयों को पाएगी और आम जनता में अपना विश्वास कायम करेगी, लोगों को विश्वास दिलाएगी। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट।